हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हाइट्स ऑफ टाइड्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने स्प्रिंग टाइड्स एंड नीप टाइड डिस्कस किया था, और उससे पहले हमने डिस्कस किया था टाइड्स और उसके टाइप के बारे में। यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम टाइड हम डिस्कस करेंगे कि कब मैक्सिमम टाइड की सिचुएशन होती है और कब मिनिमम टाइड्स बनते हैं। तो मैक्सिमम में देखते हैं, एक पेरिगी होता है। पेरिगी कब होता है? मून क्लोजेस्ट टू द अर्थ, जब मून अर्थ के सबसे पास में होता है तो पेरिगी होता है। तो ड्यू टू हाई ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून ऑन अर्थ, ये पेरिगी की सिचुएशन अगर होती है जिससे कि हाई टाइड बनता है। ग्रेविटेशनल पुल होगा तो हाई टाइड होगा। और सेम विथ पेरिहेलियन, पेरिहेलियन में क्या होता है कि सन क्लोजेस्ट टू दी अर्थ, ये सिचुएशन में अर्थ जो होता है वो सन से सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट पे होता है। ये होता है 3 जनवरी को। तो जब अर्थ सन से बहुत ज़्यादा क्लोजेस्ट होगा तो वहाँ पर हाई ग्रेविटेशनल पुल होगा, तो इस वजह से यहाँ पे भी हाई टाइड की पॉसिबिलिटी होती है। अब हम मिनिमम हाइट ऑफ टाइड के बारे में बात कर लेते हैं। अपोजी होता है, अपोजी होता है फार अवे फ्रॉम मून। जब अर्थ मून से सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे होता है तो अपोगी होता है। वहाँ पे ये सिचुएशन होती है कि जो ग्रेविटेशनल पुल होगा मून का ओवर द अर्थ वो बहुत ही कम होगा, इस वजह से यहाँ पे टाइड्स बहुत छोटी बनती हैं, मिनिमम हाइट्स ऑफ टाइड्स होती हैं। अपहेलियन में होता है कि अर्थ फार अवे फ्रॉम सन, यहाँ पे अर्थ जो होगा वो सन से सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डिस्टेंस पे होता है, इस वजह से यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल पुल होगा सन का ओवर दी अर्थ ये बहुत ही कम होगा। ये सिचुएशन होती है 4 जुलाई को। तो यहाँ पे मिनिमम हाइट्स ऑफ टाइड्स होती हैं। पेरिगी एंड पेरिहेलियन में मैक्सिमम हाइट्स ऑफ टाइड्स होती हैं, और अपोगी एंड एपहेलियन में मिनिमम हाइट्स ऑफ टाइड्स होती हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।